हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है जो रविवार को दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन देखने वाले हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि एक सटीक क्वेश्चन आपको बताया जाए, उसका आंसर भी बताया जाए, और नॉर्मल अगर कटअप देखा जाए तो उसका भी थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेंगे, एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना मार्क्स तक आपका आए कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सटीक जवाब आपको मिले। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे हम जीके जीएस का आपका सारा डिस्कशन करवा देंगे, मैथ्स रीजनिंग का जो है वो आंसर हम आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, पूरे प्रश्नों का आंसर पीडीएफ के रूप में दे देंगे। आप लोग वहाँ पे मिलान अपना कर लीजिएगा और अपना तय कर लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आप फिजिकल के लिए रेडी हैं या नहीं है। हालांकि बहुत बच्चे अभी तक अंदाज़ा लगा लिए होंगे, लेकिन यहाँ से जो बच्चे नहीं भी दिए हैं या 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या हम इस क्वेश्चन के लिए रेडी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने आप को रेडी करेंगे। चलिए, अब हम लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पूरे भारत में भी 50 से भी अधिक बाघ रिजर्व स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा प्रश्न है चरक किस वंश से संबंधित है। चरक एक राजवैद्य थे, तो चरक जो है कुषाण वंश में उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे, कनिष्क के काल में यह राजवैद्य के रूप में थे, और इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, अगला है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। ये तो सब लोग जानता है, जब अयोध्या नगरी जो है दीपों से प्रज्वलित था उस समय 22 लाख प्लस 22 लाख से ज्यादा दीयों को जला करके पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। देखिए, एक तो सेंट्रलाइज यानी केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो 1993 में ही जो है मानवाधिकार की स्थापना हो गई थी, लेकिन सभी राज्य फिर अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अपना मानवाधिकार का उन्होंने गठन किया है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 2000 ईस्वी में जो है मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स का मतलब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बीच में आते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं। अगला प्रश्न है कि बीआर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। तो इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी में, यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने वाले थे उससे कुछ समय पहले बीआर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी और उसी समय इसके अध्यक्ष भी वो बने थे। चलिए, इसमें अगला प्रश्न फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ऐसा है, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे फंसे भी होंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का तो हम लोग को पता है कि महाभियोग लगा करके, महाभियोग की प्रक्रिया लगा के हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दे दिया है उपराष्ट्रपति, तो थोड़ा सा बात यहाँ पे आ जाता है कि आखिर उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक संकल्प पारित करना पड़ता है, तो राज्यसभा में संकल्प पारित होगा वहीं से प्रक्रिया शुरू होती है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया भी है राज्यसभा के संकल्प द्वारा। कितने बच्चे महाभियोग लगा देते हैं, लेकिन महाभियोग उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति के लिए है। अगला प्रश्न है कि उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, उत्कल, उत्कल और एक वर्ड आता है बंग, तो बंग तो बंगाल के लिए जाते हैं, लेकिन उत्कल जो है वो उड़ीसा के लिए। हम लोग का जो गान भी है, राष्ट्रीय गान है, उसमें भी उत्कल वर्ड आता है, तो उड़ीसा के लिए वो फेमस है। तो उड़ीसा में यह उत्कल दिवस मनाया जाता है और इसका जो है दिवस का डेट है वो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि दिवस, यानी आर्द्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। देखिए, आर्द्र भूमि दिवस का मतलब ये हुआ कि आजकल ये बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। आर्द्र भूमि कहीं भी है, अगर किसी भी जगह पे है तो वहाँ के जीव सुरक्षित हैं, आसपास के पशु सुरक्षित हैं, तो इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास के ही डेट को पूछ रहा है। देखिए, ये भी 1 अप्रैल का पूछा है, 2 फरवरी का पूछा है, क्योंकि एग्जाम कब हुआ है, इसी के आसपास में हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टोपरा कला, आपको मिलाना होगा कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। अब देखिए, ताशों के पत्तों से लाल पत्ते गिराने, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया था कि हम इसका आंसर आपको दे देंगे। शायद आई थिंक इसका आंसर 6/13 होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है ज्वारनद मुख ऐश्वर्य कौन सी नदी नहीं बहती। अब बताइए, ये तो खानदानी क्वेश्चन हो गया,
ये तो हर लड़का, हर बच्चा, हर किताब में मिल जाता है, हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। हम भी क्लास में कई बार इसको पढ़ाए हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां पता है, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह ऐश्वर्य बनाती हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ताप्ती ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 12वीं सदी। तो आपको ध्यान होगा कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा हुआ था उस समय इब्न बतूता आया था। तो 1333 यानी 1300 से ऊपर और 1400 से नीचे, इसको कौन सी शताब्दी बोलेंगे, 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में जो है इब्न बतूता भारत आया था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी। तो विद्युत शक्ति साइंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, तो सबको पता है कि इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। पी बराबर वी इंटू वाई, एक फॉर्मूला होता है, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। ठीक है, तो अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका वोल्ट हो जाएगा। सभी अमलों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आर्हेनियस का एक लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं कि एसिड इज दैट विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, बट बेस इज दैट विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। यानी अम्ल वह है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षार वह है जो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी जितने भी अम्ल होंगे उसमें मैक्सिमम यौगिकों में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एग्जांपल में देख लीजिए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला है प्रकाश तंतु किस नियम पे कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर। ये तो हम लोग सामान्यतः तो याद करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, जब क्लासेस होती है तो वहां भी बताया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलिए मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, अगला 17 नंबर प्रश्न है कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है, कौन संयोजी उत्तक नहीं है। तो नॉर्मली हम चार तरह के उत्तकों को देखते हैं, सामान्यतः पढ़ते हैं, उससे ज्यादा भी होता है। उपकला उत्तक हो गया, पेशी उत्तक हो गया, है ना, संयोजी उत्तक हो गया। तो यहाँ पे संयोजी उत्तक पूछ रहे हैं कौन नहीं है। तो संयोजी उत्तक का मतलब होता है कि कनेक्ट करना, एक दूसरे को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे उपास्थि संयोजी उत्तक है, रक्त है, अस्थि है, लेकिन जो हार्मोन है ये नहीं है। तो हार्मोन जो है संयोजी उत्तक का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि लोहे का अयस्क वहां पे पाया जाता है। तो लोहे का अयस्क सबसे फेमस आपको पता है कि कौन सा है, हेमेटाइट। एंथ्रासाइट तो ये आपका हो गया कोयले का प्रकार हो गया, और सीडेराइट भी लोहे का ही अयस्क है, लेकिन आखिर वहां पे कौन सा है, तो हेमेटाइट है, ध्यान रखना है। चलिए सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। अब देखिए प्राचीन काल में जैसे हम लोग वंश याद करते हैं कि पहले हर्यक वंश है, फिर नाग वंश है, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर सुंग वंश है, और सुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन से पहले और सुंग के बाद कौन सा वंश आ रहा है, कर्ण वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण वंश। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो अस्त्र जो है वो कैसा मिसाइल बना रहा है DRDO, तो इसका फिक्स रहता है कि यह वायु से, वायु में मार करने वाला अस्त्र बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। बड़ी ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ी ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि जो लड़का अगले बार मेंस का एग्जाम है, PT का एग्जाम देगा ना, इस लेवल का क्वेश्चन तैयार कर ले, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तो इसका एग्जाम पक्का निकलना ही निकलना है। तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन पता है कि कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और यहीं पे गांधी जी किससे मिले थे, राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बिहार में आने के लिए न्योता दिया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ। तो पहला विभाजन यानी गरम दल और नरम दल, और गरम दल नरम दल की बात हम लोग को पता है, 1907 का सूरत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर सी, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी सूरत अधिवेशन के तहत कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण
की तरफ सजाएं। अब देखिए बिहार का मैप, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कम से कम बिहार का मैप तो आपके नज़र में होना चाहिए। तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है यह सब बिहार के किस दिशा में है, तो सब के सब जो है पश्चिम दिशा में है। यानी अगर बिहार का मैप छोटा सा अगर हम अंदाजा ऐसे लें तो ऐसे वाले ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में सबसे ऊपर देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे देखिएगा तो क्या है पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद आ जाता है आपका गोपालगंज आ जाएगा, फिर उसके नीचे सीवान आ जाएगा, फिर उसके नीचे बक्सर, फिर उसके नीचे रोहतास। क्रम से तो दिया ही है, तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी 1 2 3 4 गोपालगंज सीवान बक्सर और फिर उसके बाद रोहतास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विषम चुने। विषम फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें आप देखिएगा नाई दर्जी लोहार बढ़ई, तो इसमें हमको लगता है कि नाई हो जाएगा क्योंकि दर्जी लोहार बढ़ई से जो व्यक्ति कस्टमर है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता है किसी वस्तु के माध्यम से। दर्जी है कपड़ा हम सिलने के लिए देंगे वो कपड़ा पहनेंगे, लोहार कोई बर्तन बनाने के लिए देंगे वो बर्तन देगा, बढ़ई कोई फर्नीचर बनाने के लिए देंगे फर्नीचर देगा। लेकिन नाई के पास खुद को लेकर जाना पड़ता है, खुद वहां बैठेगा बाल कटवाएगा, तो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ा हुआ है इसलिए नाई आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी ये सब रीजनिंग हम लोग देख लेंगे, आगे देखते हैं। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, ये तो पिछले बार भी दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तो फेमस ही क्वेश्चन है, ये लड़का लोग गलती नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, तो ये सबको पता है कि हल्दिया है कोलकाता साइड में। सहयोगी बंदरगाह का मतलब कि व्यापार उद्योग से संबंधित जो है इसको सहयोग करता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, आप देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया क्योंकि उत्तराखंड में जो है UCC लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड है जो एग्जाम ये क्वेश्चन जो बना रहा है उसको ये पता है कि अगर लड़का अवेयर है उत्तराखंड का न्यूज पढ़ा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये सबको पता होना चाहिए अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है यह समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न जो है 29 नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुपलुपद्दा विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर, एक दो क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं है इसमें। अगला है पुगा घाटी लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें लड़का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि तापीय ऊर्जा है या भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है, तो ध्यान रखना है कि भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है दोनों अनुपस्थित हो जाएं तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है। क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, या सभी बच्चे जो है किताबों में पढ़े होंगे या कहीं भी कोचिंग करते हों यहाँ पे बताया गया होगा। नॉर्मल सा बात है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट रहे तो जो लोकसभा का पैनल होता है जो 10 लोगों का समूह होता है उसमें जो सबसे सीनियर होगा वही वह कुर्सी को संभालेगा। तो यहाँ पे देखिए तो राज्यसभा का अध्यक्ष पॉसिबल ही नहीं है, उपराष्ट्रपति भी है वो क्या क्या काम करेगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष क्यों उपाध्यक्ष आएगा, राज्यसभा के सदस्य क्यों लोकसभा में आएंगे। ठीक है, सभापति, अब लीजिए ना राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति अलग अलग हो गया, एक ही चीज है। यहाँ पे अध्यक्ष के पैनल द्वारा, यानी अध्यक्ष भाई साहब उन्होंने पैनल बनाया है, 10 लोगों का पैनल बनाया है, उसमें जो सबसे सीनियर होगा वही संभालेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं तो उनके जगह पे कौन आएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आएगा। वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहे तो कौन आएगा, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो पैनल बनाया जाता है जो 10 लोग होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर होगा वही आएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। देखिए चुनाव का तिथि का मतलब तुरंत मत समझिएगा चुनाव आयोग ही आएगा, ये भी देख लीजिएगा चुनाव है किसका, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव का अगर तिथि घोषित करना है तो भाई साहब कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति बताएंगे कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, क्योंकि चुनाव किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में स्पीकर, तो स्पीकर का चुनाव होने वाला है, और स्पीकर का चुनाव में यानी सदन में जो भी चुनाव हो रहा है वह निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे राष्ट्रपति आ जाएंगे। अब देखिए कोयला भंडारण में प्रथम राज्य, कोयला भंडारण में उत्पादन में नहीं है,
भंडारण मतलब रीस्टोर करने के लिए कौन सा प्रथम राज्य है, उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ये सबको पता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशियोलॉजी लीजिए समाज शास्त्र इसमें डाल दिया, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, एक कोल्लम है, तुतीकोरिन है, एर्नाकुलम है, कोचिन है, एक कोल्लम तुतीकोरिन कोचिन ये सब केरल वाला हिस्सा है, तो ये तो आपका पश्चिमी तट पे है, तमिलनाडु ना पूर्वी तट पे है क्योंकि यहाँ पे पूर्वी तट लिख दिया है, तो पूर्वी तट का मतलब तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक ही है वो क्या है एर्नाकुलम, बाकी सब पश्चिमी तट पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, ऑप्शन से आपको यहाँ पे दिख जाएगा संथाली बोडो ये सब जोड़ा गया था, तो इसमें संथाली आपका ऑप्शन है। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ, अब बताइए योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि जो भी पंचवर्षीय योजना है वो उसको देखे, उसको मॉडरेट करे, फिर योजना आयोग के पास से वो जाएगा किधर, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पास जाएगा, तब जाके पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित किया गया था, तो यहाँ डेट तो नहीं है लेकिन वर्ष है 15 मार्च 1950 वर्ष दिया है 1950, आंसर टिक कर देंगे। हाँ, इसके साथ राष्ट्रीय विकास परिषद 2 साल बाद 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लोग यहाँ पे देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए, कर ही देते हैं सही सुमेलित। देखिए भारत का संघ, तो भारत का संघ भाई इसका मुखिया तो प्रधानमंत्री होगा, राज्य का मुखिया राज्यपाल ही होगा, नगर निगम का महापौर होगा, ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, लीजिए हो गया, तो 1 का A हो गया, 2 का B हो गया, ठीक है, और 3 का D हो गया, 4 का C, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, चलिए इसको हटाते हैं। 40 नंबर जीआई टैग किस संस्था द्वारा दिया, देखिए जीआई टैग का मतलब कहीं ना कहीं व्यापार से रिलेटेड है, अगर हम उस चीज को जीआई टैग दे रहे हैं तो उसकी या तो शुद्धता या तो व्यापार को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो बक्सर का युद्ध जो है आप लोगों को पता है, इसे हमको बताने की उतना जरूरत ही नहीं है, 1764 ईस्वी में हुआ था और उस समय गद्दी पर शाह आलम प्रथम गद्दी पर बैठा हुआ था, इसका आंसर होगा, आप लोग सही टिक किए होंगे। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है, अध्यक्ष जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल हो वहाँ पे क्या है, तो प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका और कार्यपालिका का मतलब स्वतंत्र, भाई जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल है राष्ट्रपति का शासन है ज्यादातर, जैसे अमेरिका एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा स्वतंत्र कार्यपालिका, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संघात्मक संसदीय सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, ये अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन है रजनी का है, तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 44 इधर आ जाते हैं, इधर भी रजनी है, हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे आ जाते हैं। देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे पहले बता दें कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं ठोस द्रव गैस, 4th प्लाज्मा और 5वां है BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उसमें बहुत कम गतिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, अगला फिर आपका रीजन आ गया, आगे बढ़ते हैं, मुंगेर जिला से किस जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, देखिए फिर बिहार मैप से आ गया, यानी बिहार मैप को आपको दिमाग में रखना ही होगा और दिमाग में होगा भी तो आपको आंसर पता होगा मधेपुरा। अगला देखते हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, अहमदाबाद है, मुंबई है, नागपुर है, पोरबंदर है, देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका फेमस है तो कौन है, अहमदाबाद है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे में आपको आ जाएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो पिछला वीडियो मैंने एक बनाया भी था जो कि मरणोपरांत उनको दिया गया है, समाज के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तब भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, और वह व्यक्ति है हमारे सम्मानजनक व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, इसका हम लोग वीडियो हमने बनाया था, आपने शायद देखा भी होगा। आगे देखते हैं कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, देखिए कोयना बांध ये सबको पता है कि किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, देखते हैं अनुच्छेद 21 का संबंध, चलिए
अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो हम लोग लगातार कम से कम इतना तो कोशिश करते हैं जो भी विद्यार्थी हैं कि लगातार अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक तो याद रखते हैं। और अनुच्छेद 21 तो भाई जीने से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और उस अनुच्छेद 21 में और भी बहुत सारे अनुच्छेद सब आर्टिकल्स हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है। यानी एक लाइन में बोले तो अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता है, फिर बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो शिक्षा की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए पहले ही ऑप्शन दे दिया है शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार 21A में है ना कि 21 में। चलिए पहाड़ों पर जल उबलता है, तो जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समुद्र के तल से कम तापमान पे वहां पे क्या हो जाएगा, जल उबल जाएगा। यानी जहां पे 100 डिग्री पे उबलना चाहिए उससे कम पे ही तापमान पे उबलने लगेगा, इसलिए चावल जल्दी पक जाता है। कुकर में पकाते हैं पहाड़ों पे जाके, क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक घटेगा क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो जल का क्वथनांक घटेगा तो जल यानी जल्दी उबलने लगेगा, चावल भी जल्दी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो भाई प्रथम पुरुष कह लीजिए या आधुनिक भारत के प्रणेता बोल लीजिए, वो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अरे सबसे बड़ी कठिन प्रथा सती प्रथा को कानून बनाकर इन्होंने खत्म करवाया, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। कहीं भी कैपिटल इकोनॉमी होगा ना, जैसे अमेरिका में देख लीजिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा आपस में, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट उतना ही डेवलप होगा। जैसे आप ही देख लीजिए, अगर आप इंश्योरेंस के लाइन में अगर हम एग्जाम्पल दे दें, तो पहले इंश्योरेंस सिर्फ LIC ही करता था, तो एक ही कंपनी था LIC, कंपटीशन नहीं था मार्केट में, कोई कराता ही नहीं था LIC। अब प्राइवेट कंपनियां आ गई, पूंजीवादी आ गया, तो कई सारे कंपनी आ गई, तो अब देख लीजिए LIC ऐड पे ऐड देता है, कई सारे एजेंट हैं वो LIC करते हैं, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो पूंजीवादी जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिस्पर्धा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा सोचिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में हमको पता है कि वहाँ पे मन दिल सब में घबराहट होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा ही नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, DNA प्रतिबंधन में DNA खंडों को जोड़ने हैं तो किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाला है, तो यहाँ पे लाइगेजेज जो है ये एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है डिमेट्रियस किसके समकालीन था, तो सबको याद होगा सलीसुका का समकालीन था। अगला प्रश्न है